लय जुड़ जाना, पता है क्या होता है लय जुड़ जाना होता है, लाइक फॉर एग्जांपल गॉड्स की बात करें तो मेरी गणपति भगवान से थोड़ी लय जुड़ी हुई है और थोड़ी लय हमारे गुरु नानक देव जी से लड़ी हुई है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू शिव जी भगवान, बहुत सारे लोगों के फेवरेट होते हैं, बट यू नो लय जुड़ जाना वो होता है. तो अगर किसी भगवान के साथ तुम्हारी लय जुड़ जाती तो मतलब अपने आप एक रिस्पेक्ट अंदर से आती है, फॉलो करने के है ना मन करता है. सिमिलरली पढ़ाई में भी गुरु के लिए आपकी लय जुड़ना बहुत जरूरी है. लाइक आई डिड माई स्कूबा डाइविंग कोर्स और अरे दीपेन कौन सी आई एम कॉल है बता दे, दीपेन अपना पुराना स्टूडेंट है बता दे इनको, दीपेन की भी आई थिंक रोहतक कॉल है. एनी विच वेज, तो लय जुड़ना मतलब किसी टीचर के साथ जो तुम्हारी लय जुड़ जाए. मैंने स्कूबा डाइविंग कोर्स किया, चार अलग अलग टीचर थे, मैं एक आइलैंड में अंदर था, पर एक टीचर मतलब यार तुम पानी के अंदर हो भाई, क्या तुम पानी के अंदर हो यार. दो ही ऑप्शन है, या तो उसके साथ लय जुड़ के उसको फॉलो कर ले, उससे क्वेश्चन मत, तू ऐसा कैसे कर रहा है, तू ऐसा कैसे कर रहा है, तू ऐसा कैसे कर रहा है, राइट. ऑब्वियसली तुम पानी के अंदर हो, 18 मीटर बिलो यार, आयु कैसे उतनी, तो लय जुड़ लो, तुम लोग पानी के अंदर हो, जिसके साथ आपकी लय जुड़ जाए उस टीचर को फॉलो कर सकते हो. मैं तो मैं, कई और तो कई और, जो मर्जी, पर फॉलो करिए, अपना दिमाग मत लगाइए. बैंगलोर मैं गया था, आई एम बैंगलोर के अंदर इंटरव्यू लेने के लिए, एक बिजनेस स्कूल ने मुझे इन्वाइट किया था, तो आई वॉज देयर फॉर टेकिंग इंटरव्यू. इनफैक्ट मैंने अपना माइका का इंटरव्यू आई एम बैंगलोर में दिया था. टेम्परेचर ऑफ आई एम बैंगलोर का कैंपस इज स्लाइटली ऑन द लोअर साइड, 2 डिग्री कम है बाहर से, इतना सेक्सी ग्रीन कैंपस है और शहर के बीचों बीच. कलकत्ता का कैंपस 6-7 ब्यूटीफुल लेक्स हैं. मैंने अपनी टेट टॉक दी थी, पहली लाइफ की टेट टॉक मैंने आई एम कैलकटा के अंदर दी थी, सेकंड टेट टॉक सॉरी, पहली मैंने NMIMS के अंदर दी. 7 कैंपस हैं भैया, भयंकर कॉलेज, ठीक है. इतना पता होना चाहिए तुम लोगों को, अगर तुम्हें वहाँ जाके पढ़ना है फॉर श्योर, ठीक है बच्चों.